दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को ये पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइज, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? गाइज, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9 या 10, क्या बता सकते हैं? चलिए आज मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। सन 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था उसके बाद से 1990 तक तो 9 ही प्लैनेट सुनने को मिलते थे, लेकिन उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया और तब रह गए सिर्फ 8 ही प्लैनेट। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में नोवा प्लैनेट भी है जिसके प्रमाण सन 2016 में मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है जो कि हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है लेकिन जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? ये घटना घटी साल 2016 में जब एक बंदा अपने लैपटॉप में एक्सप्लोजिव्स लेके सोमाली के एरोप्लेन में चढ़ गया। उसका इरादा था कि वो पूरे प्लेन को उड़ा देगा। प्लेन के उड़ने के 15 मिनट बाद लैपटॉप फटा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को बहुत तसल्ली देगा। जैसे ही लैपटॉप फटा, वो बंदा जहां पर बैठा था सिर्फ उस जगह पर प्लेन में होल हो गया और वहां पर हवा के दबाव की वजह से सिर्फ वो एक बंदा प्लेन से बाहर खिंच गया, नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। बाकी पूरे प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवा लिया गया। गाइस, वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।